हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभी, इंडियन गर्ल इन यूरोप। आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आई हूँ जो कि है नर्सिंग इन जर्मनी या नर्सेज इन जर्मनी, आप कैसे यहाँ पर आ सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था पहले जिसमें कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे जिसमें आप ये जानना चाहते थे कि एज ए नर्स आप कैसे जर्मनी आ सकते हैं फ्रॉम इंडिया। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होगा। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताऊंगी जिससे कि आप अपना करियर जो है या फिर आप एज ए क्वालिफाइड नर्स यहाँ पर आ सकते हैं जर्मनी में। कैसे कर सकते हैं, क्या डिटेल्स है, वो सब कुछ जो है वो वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगी। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखना। प्लस आपके अगर कोई फ्रेंड्स और फैमिली में से कोई नर्स हैं और वो भी अब्रॉड में कहीं जाना चाहते हैं, स्पेशली जर्मनी में, तो ये वीडियो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको हॉस्पिटल का एक टूर दे दूं। मैं एक म्यूनिक के हॉस्पिटल में खड़ी हूं जिसका नाम है ग्रॉस हार्डन, जो कि बिगेस्ट हॉस्पिटल में से एक है यहाँ पर। ये इनकी यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर, तो लोग मतलब स्टूडेंट्स जो है वो घूमते फिरते दिख जाएंगे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो इसमें नर्सेज की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। और आप पीछे जो देख रहे हो ये इनकी इमरजेंसी वार्ड है ये पीछे, और आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे तो डिफरेंट जो है वार्ड्स आते जाएंगे। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो मैं आपको थोड़ा सा टूर दे देती हूँ। इट विल बी लाइक मोटिवेशन फॉर यू कि यहाँ के हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं। प्लस थोड़ा थोड़ा स्नो दिख रहा है तो ऑफकोर्स हम इंडियंस के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन होता है कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट भी है आउटसाइड द हॉस्पिटल। जैसे ये डिपार्टमेंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पर, बोर्ड है, बिकॉज ऑफकोर्स ये बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। यूनिवर्सिटी एरिया है। भी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही है। एक ये है, एक वो है। एक्चुअली यहाँ पर स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और स्पेशली नर्सेज, मतलब यहाँ पर नर्सेज बहुत कम हैं। और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है दूसरी कंट्रीज़ को ताकि क्वालिफाइड नर्सेज जो हैं वो यहाँ पर लेके आ पाए। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारी इंडियन नर्सेज के लिए। प्लस क्यों जर्मनी को आपको चूज़ करना चाहिए वर्किंग के लिए, तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, ऑफकोर्स आपको मेरे सारे वीडियोज़ देख के भी पता चल जाएगा जिसमें मैंने हज़ारों बार बोला है कि यहाँ का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा सेफ कंट्री है। प्लस आपको सैलरी अच्छी मिलती है, तो आपको सैलरी जो मिलती है उसके अलावा आप बहुत अच्छा अमाउंट सेव कर सकते हो। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रिलोकेट हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यहाँ पर। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जर्मनी के बारे में जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आप और भी वीडियोज़ देख सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो TalentSure बाय सर्टिफाइड, ये एक एंड टू एंड जो है वो सोर्सिंग सॉल्यूशन है फॉर इंटरनेशनल टैलेंट। आप इनका प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारा ही सपोर्ट मिलेगा ताकि आप जर्मनी में एक क्वालिफाइड नर्स कहलाएं। My name is Nidhula. I am from India. I am a nurse. My mother tongue is Malayalam. My goal is to get a job in Germany because Germany is one of the good secure place for the nurses. Germany offering more opportunities for the nurses with a good salary. Now I am studying German language with the help of TalentSure. TalentSure is one of the best option for those who are searching job in Germany. During our language training session, the TalentSure give full support, clarify our doubts, and encourage for our study. During my study, the TalentSure give full support. That support make me more confident and encourage me for studying more. I am really excited and happy with the language study, and also I am really excited in this new challenge. Thank you TalentSure for this opportunity. सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इनकी TalentSure की कि ये आपको एंड टू एंड जो है वो हेल्प करेगा। मतलब आप जब से स्टार्ट करते हैं, एक बार एनरोल कराने के बाद टिल फिनिश तक सभी चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। जैसे अगर आपको पर्सनल मेंटर चाहिए तो उसमें हेल्प करेगा, सीवी रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प करेगा, लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसमें हेल्प करेगा, वो भी गोथे इंस्टीट्यूट जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी उसमें। अगर आपको फैमिली के साथ रिलोकेट होना है उसके लिए भी आपको सपोर्ट मिलेगा। प्लस आप इंडिया से जर्मनी आते हैं तो यहाँ का जो भी सेटअप होगा, यहाँ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो सिम हो गई, अकोमोडेशन हो गया, ये और दूसरी चीज़ें हो गई, उसमें आपको हेल्प करेगा। बाकी अगर आपको ऑनगोइंग करियर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सपोर्ट चाहिए तो वो भी हेल्प करेगा। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक बार आप एनरोल कर लेते हैं तो वो आपको पूरा ही हेल्प करेगा। एनरोल करने की फ़ीस जो है वो 20,000 है, लेकिन गुड थिंग ये है कि ये जो 20,000 रुपये हैं या 20,000 रुपये हैं, एक बार आपका जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये वापस मिल जाएगा। तो इट्स काइंड ऑफ दैट कि आप बस रजिस्टर करने के लिए यू आर गिविंग दैट मनी एंड 20,000 इज़ नथिंग, बिकॉज आपको लैंग्वेज लर्निंग में भी वो हेल्प कर रहे हैं, पूरा कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। Also making sure job placements along with language. So this is an amazing thing. Sind Sie alle gut, oder? All good, ma'am. Yes, ma'am, good. Sehr gut. So, heute machen wir ein bisschen Vorstellung, wie ich gesagt habe. So, Vorstellung, kannst du, Kamlesh, kannst du dich selbst vorstellen? Yes, ich kann. Ja, danke. Dann fangen bitte an. 33 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich habe ein इसके अलावा आपको जर्मनी जाने से पहले ही इंडिया में फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जर्मनी की एक और चीज़ होती है, यहाँ पर 24 to 30 जो है वो पेड लीव्स मिलती है, तो वो भी श्योर है कि आपको पेड लीव्स जो है वो मिलेगी, तो आप वो एंजॉय कर सकते हो यूरोप घूमने के लिए। इसके अलावा जो है वो आपकी सैलरी अराउंड 2,900 यूरोज अराउंड 2.5 lakhs पर मंथ इन इंडिया। बात करूँ तो 3,000 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके एक्सपेंसेस आप काट ले तो आप आराम से यहाँ पर 80,000 या 1 लाख रुपीस जो हैं वो बचा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फैमिली के साथ रिलोकेट हो सकते हैं। आपका जो फुल इंश्योरेंस है वो कवर होगा यहाँ पर। आप जर्मन पेंशन स्कीम में जो है वो एलिजिबल रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये लोग जो हैं, टैलेंटश्योर का इंडिया में जो हेल्थ केयर पार्टनर है वो अपोलो है, और अपोलो की भी बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो इस प्रोग्राम में है। और अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी में जो है वो है TOV राइनलैंड, तो आपको वहां पर जो है वो पूरा सपोर्ट उनके थ्रू मिलेगा एंड देन यहां पर जो है वो पूरा सपोर्ट TOV राइनलैंड के थ्रू मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप एनरोल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है या एलिजिबिलिटी क्या है। तो सीधी सी बात है, आपको नर्स होना चाहिए, या तो आप परस्यू कर रहे हैं या ऑलरेडी नर्स हैं, तो या ऑफकोर्स आपकी एज जो है वो 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए, बिकॉज जो जर्मनी है वो यंग टैलेंट को वेलकम कर रहा है। आप एक रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए इंडिया में। वर्क एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको जर्मन लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी, और आपको जर्मनी में एटलीस्ट 2 साल जो है वो रहना पड़ेगा। थोड़ा और डिटेल में मैं बताती हूँ कि प्रोसेस ऑफ इंडिया क्या रहेगी और प्रोसेस ऑफ जर्मनी क्या रहेगी, तो आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना CV जो है वो TalentSure को सबमिट करेंगे। एक बार आप अपना CV जो है वो सबमिट कर देंगे तो आप अगर एलिजिबल हैं तो दे विल कॉल यू। सेकेंड चीज, आप इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, एनरोल करेंगे बेसिकली, और जो 20,000 पीस है वो सबमिट करेंगे। थर्ड जो है वो आपका जर्मन लैंग्वेज वो है स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपके इंटरव्यूज होने लगेंगे यहाँ पर एम्प्लॉयर, यहाँ की जो कंपनीज हैं उनके थ्रू, और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। फिर आपको B1 और B2 कम्प्लीट करना पड़ेगा, आपको वीजा मिल जाएगा जर्मनी का, और आप यहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका जो फ्लाइट टिकट है वो भी TalentSure जो है वो ही मेक श्योर करेगा कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जर्मनी की क्या प्रोसेस है। तो आप जर्मनी आएंगे, यहाँ की टीम आपको वेलकम करेगी। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, आप अपने एम्प्लॉयर से मिलेंगे, फिर आपका एकोमोडेशन में आपको मूव कर देंगे। फिर आपको जर्मनी में स्टार्ट करनी होगी नर्स की ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ का जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, तो वो उसके लिए आपको वो स्टार्ट करना होगा। वो जो है वो 10 वीक्स प्रोग्राम है। जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो आप एज ए असिस्टेंट नर्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे काम करना, और जैसे ही आपने नर्सिंग एग्ज़ाम जो है वो पास कर लिया आप कहलाएंगे क्वालिफाइड नर्स इन जर्मनी। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इंडिया की एंड जर्मनी की। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कमेंट ज़रूर करना कि इस वीडियो में कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, क्या ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप प्लेटफॉर्म कोई ढूंढ रहे थे और आपको रिलायबल प्लेटफॉर्म नहीं पता था तो टैलेंट श्योर जो है वो रिलायबल प्लेटफॉर्म है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है वो मैं आपको इनका ईमेल आईडी प्लस जो लिंक्स है जिसमें आपको सारी ही डिटेल्स जो है अगर आपको फिर से रीड करनी है वो पता चल जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए जर्मनी आने की, और ये एक लॉन्ग टर्म विजन आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म है। अच्छी सैलरी मिल रही है, फैमिली के साथ रिलोकेट हो रहे हैं, लैंग्वेज सीख लोगे तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आने के बाद, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी शेयर करना अपने फ्रेंड्स से जो नर्स हैं या परस्यू कर रहे हैं एज ए नर्स, और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो इस चैनल पर आते रहेंगे। बाकी लाइफस्टाइल देखनी है जर्मनी के बारे में, जो मैंने आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई उसके लिए आप हमारा ब्लॉगिंग चैनल जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।